अब हम आपको लिए चल रहे हैं गांधीनगर में वोट डालकर निकले हैं नरेंद्र मोदी, जहां लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते हैं। जब लालकृष्ण आडवाणी पर्चा भरने गए थे तब भी नरेंद्र मोदी साथ में आए थे। लगातार खबरें चली मनमुटाव की, मतभेद की, कि रूठने मनाने की, लेकिन अगर रूठने मनाने की बात थी तो नरेंद्र मोदी मनाने में कामयाब रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी को। अगर दबदबा बनाने की बात थी तो अपना सिक्का जमा चुके हैं पार्टी में पहले ही, उसके बाद ये सब चुनाव प्रचार, और आज जहां पर हैं वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के। नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वोट डालकर बाहर आ रहे हैं। तो ये आपने देखा गांधीनगर का एक लोकसभा एक मतदान केंद्र है, और यहाँ एक बच्चे से बात करें नरेंद्र मोदी, ये पांव छूता है, ये बच्चा वोट नहीं कर सकता लेकिन उनसे वहां मिलने पहुंच गया, और अब उंगली पर निशान लगवाने की बारी, पहले साइन सिग्नेचर करने की बारी और मतदान और उंगली पर फिर निशान। नरेंद्र मोदी ने ये निशान लगवाया मतदान का, और गांधीनगर से इनका वोट है जहां से लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते हैं। कोई पिछले एक महीने के अंदर करीब करीब 200 रैलियां कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। हर रोज अहमदाबाद से उड़ते हैं, देश के अलग अलग इलाकों में 3 से 5 रैलियां करते हैं, भाषण देते हैं और फिर शाम तक पहुंचते हैं। इसके अलावा प्रचार के भी मुखिया हैं और लगातार बीजेपी के नेताओं से चर्चा में, और फिर बयानों के लिए बयानबाजी, लगातार तीखे बयानों की प्रतिक्रिया तीखे बयानों के जरिए, और मत कुटीर आप देख रहे हैं ये कार्डबोर्ड से बनी हुई, यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपना मतदान करने पहुंचे हैं। और फिर 12 तस्वीरें देख रहे हैं, अपने हाथ पर निशान दिखाने के लिए उन्होंने साथ में कमल को भी, कमल का जो उनका निशान है, वो बिना कुछ कहे अपने चुनाव चिन्ह, अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात भी, हाथ में उनकी उंगली पर मतदान का निशान और नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तमाम बातें वो कह चुके हैं लगातार, और रोज हम उनकी बातें सुर्खियों में सुनते हैं। लेकिन इस वक्त वो एक मतदाता है गांधीनगर के, और वहां वोट करके बाहर निकले हैं। जिस तरह माइक दिख रहे हैं संभव है कुछ बातें वो करेंगे। राजीव पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, वो वोट यू। देखिए, नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है, और जिस तरह से जिस अंदाज में उन्होंने अपने हाथ का जो निशान है, जो इंक जो उंगली पर लगाई जाती है, उसके आगे जैसे उन्होंने कमल लगा के लोगों को दिखाया, बिना कुछ कहे एक सिंबोलिज्म उन्होंने अपना दिखा दिया, और साथ में सबके कैमरे के सामने खड़े रहकर आज अपना एक सेल्फी फोटो भी खींचा है, जो सेल्फी कहते हैं खुद का फोटो खींचने, तो वो अंदाज भी उन्होंने सबके सामने आज दिखाया। तो नरेंद्र मोदी अलग अलग अंदाज लगातार दिखा रहे हैं, और यहाँ पर ये चूंकि बीजेपी का गढ़ है और आडवाणी की कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है, तो नरेंद्र मोदी आडवाणी के लिए वोट कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में मीडिया से भी बातें करेंगे, और उनकी जो उम्मीदें हैं आज की वोटिंग को लेकर, देश में वोटिंग को लेकर, उसके बारे में नरेंद्र मोदी अब बोलने जा रहे हैं। काफी संख्या में लोग यहाँ पर बीजेपी समर्थक काफी बड़ी संख्या में जुटे थे, और जब नरेंद्र मोदी आए तब मोदी मोदी के नारे बीजेपी समर्थकों ने लगाए। नरेंद्र मोदी सुबह सुबह इसीलिए आज वोट करने आए, ताकि सुबह अगर उनका वोटिंग हो जाए तो देश के अन्य इलाकों में अपने प्रसाद पर ध्यान दे सकें, इसलिए सुबह जल्दी उन्होंने वोटिंग कर लिए, ताकि वो अब जिन इलाकों में वोटिंग अभी बाकी है उन इलाकों में प्रचार पर पूरी तरह से वो आज ध्यान देंगे। और भी करीब 11-11:30 बजे आडवाणी भी यहाँ पर वोट करने आने वाले हैं, अरुण जेटली शाम को वोट करेंगे, अमित शाह भी इस इलाके से वोट करने वाले हैं, तो काफी VIP इलाका है। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का उत्साह नरेंद्र मोदी के वोटिंग को लेकर, नरेंद्र मोदी मीडिया रूबरू हो रहे हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं उसको लेकर वो मीडिया में अपना बयान दे रहे हैं, और नरेंद्र मोदी आज की जो उनकी उम्मीदें रही, किस तरह से उन्हें उम्मीदें हैं कि आने वाले चुनाव में किस तरह से लोग वोटिंग करें, उस पर
नरेंद्र मोदी बात करेंगे। मोदी अब संबोधित करें, उनको सुनते हैं। उत्साह और उमंग के साथ सम्मिलित होकर के लोकतंत्र को मजबूत बनाना होता है। मैं विशेष रूप से गुजरात के मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं कि पूरा चुनाव अभियान बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। मैं गुजरात के मतदाताओं का, गुजरात के नागरिकों का और चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। मैं गुजरात की जनता की क्षमा भी मांगना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो मैं चुनाव अभियान में बहुत समय देता था, इस बार पूरे चुनाव अभियान में मुश्किल से दो दिन में सिर्फ 18 घंटे दे पाया हूं, सिर्फ 18 घंटे। और इसलिए गुजरात के मतदाताओं की मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में भी जिस प्रकार से गुजरात के मतदाताओं ने इस पूरे चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज मतदान के इस पूरे दौर में महत्वपूर्ण विषय यह है, अपने जन आज एक है, क्योंकि आज के मतदान से मैं देश के मतदान बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं गुजरात की जनता का और क्षमा मांग रहे हैं। कहते हो कि कम वक्त गुजारा है गुजरात में, उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए देश भर में वो काम करते रहे और आप देख रहे हैं उनके हाथ में जो कमल का निशान कपड़ों पर एक बैज के तौर पर लगाते हैं, वो आज वो हाथ में लिया हुआ है, क्योंकि उंगली वो दिख रही है, वो निशान दिख रहा है जो मतदान के वक्त लगाया जाता है। तो एक तरह से मतदान की अपील भी और मतदान का दिखावा भी। अनुराग द्वारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, जिस तरह अभी गांधीनगर में वोट डाल कर चुके हैं और क्षमा मांग रहे हैं गुजरात के लोगों से कि वो वक्त ज्यादा गुजरात में बिता नहीं पाए, क्या गुजरात के लोगों की भी कोई नाराजगी उनसे इस बारे में? नहीं, यहाँ पर अभी तक हमने जितने लोगों से बातचीत की महराज, वो तो इसी बात से खुश हैं, एक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं कि जो उनका सांसद वडोदरा से अगर चुना जाएगा तो वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। तो ऐसी तमाम बातें, और इसके अलावा जैसे आप बात कर रहे थे, प्रतीकों की बहुत राजनीति करते हैं। जब नामांकन भरने आए थे तो उनके जो प्रस्तावक थे उसमें चाय वाला भी था, जो शाही खानदान की महारानी थी वो भी थी। तो इस तरह की प्रतीकों की राजनीति करते हैं, और वही उम्मीद है जिसमें बूथ पर खड़ा हूं कि जो शाही परिवार है वो भी यहां पर वोट डालने आएगा लगभग 10:45 बजे। यहां पर अभी उतनी भीड़ नहीं हुई है, लेकिन फिर भी लोग इक्का दुक्का आते जा रहे हैं और अपना मत देकर यहां से जा रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि जो विकास हुआ है वडोदरा और आसपास के इलाकों में, उससे वो बेहद खुश हैं और चाहते हैं कि जो भी शख्स उनकी नुमाइंदगी करे वो विकास की राजनीति करे। बिल्कुल, प्रतीकों की राजनीति की बात कही अनुराग ने किस तरह, और एक बार और एक प्रतीक चुनाव या मतदान करने का निशान भी एक प्रतीक के तौर पर मिल गया नरेंद्र मोदी को। उनकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है। नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वोट डालने पहुंचे, उसके बाद संबोधित कर रहे हैं और गुजरात के वोटरों से माफी मांग रहे हैं, कहते हैं कि वो ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए।